आज की वीडियो में बात दोनों तरफ के मीडिया यानी कि गोदी मीडिया और सरकार से सवाल उठाने वाले मीडिया के एंकर्स की पिछली 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे कि किस मीडिया एंकर ने अपनी डिबेट में जनता की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। रवीश अक्सर अपनी डिबेट में जरूरी मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे लखीमपुर थाने में पूछताछ के लिए हाजिर होने का सम्मन दिया गया था। विपक्ष के नेताओं को बिना किसी लिखित आदेश के हिरासत में लेने वाली यूपी पुलिस ने एक मंत्री के बेटे के प्रति जो सम्मान का सम्मान दिखाया है उसकी सराहना की ही जानी चाहिए, क्योंकि आलोचना से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम मीडिया के इस दौर में हैं जिसमें एक बड़ी खबर को दूसरी जगह की बड़ी खबर से कम कर दिया जाता है। जैसे ही वीडियो सामने आने लगे, गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी बताने की अपनी खबरों का गियर बदल लिया, कहीं और शिफ्ट हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर प्रदर्शनकारी किसान जमा हैं, गहमा गहमी खूब है, लेकिन कोई बौखलाया हुआ नहीं लगता है। कोई कार को छूता तक नहीं, बल्कि उसे निकालने के लिए कुछ लोग आगे आगे चलते हैं, कुछ साथ साथ। एक शख्स माइक लेकर घोषणाएं कर रहे हैं रास्ता देने के लिए। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं वे किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। संदीप चौधरी अक्सर अपनी डिबेट में जनता के मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करते हैं। इस हफ्ते अपने डिबेट में संदीप ने पेट्रोल के बढ़ते दामों की बात की और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल भी किया। आप जन कल्याणकारी नीतियों का हवाला देते हैं, चला भी रहे हैं आप, लेकिन जो ये मार पड़ती है गैस की है, गरीब भी। आपने उज्ज्वला योजना चलाई, बहुत अच्छी योजना है, कोई इसमें शक और शुबा नहीं, लेकिन 8 करोड़ में से 3 करोड़ 20 लाख सिलेंडर भरे ही ना जाए, रिफिल के लिए जाए ही ना। और पेट्रोल डीजल तो हर कोई खरीदता है ना, ये रिग्रेसिव टैक्सेशन मानते हैं ना। गरीब को भी वही टैक्स देना है, अमीर को भी। 23 रुपए से ऊपर 24 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए 26 रुपए डीजल के एक साल में। आम आदमी पर मार पड़ रही है ना इसकी। मैं एक्सपेक्ट करता था कि अर्थव्यवस्था को समझने वाले, जब चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो, चाहे जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, और इवन कृषि क्षेत्र में भी 22% एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई थी, तो अर्थ आम आदमी की कितनी ग्रोथ हो रही है, सवाल यहाँ है। वो सारे आंकड़े हमने पूरी दोपहर देखो नहीं। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ के पत्रकार नाविका कुमार की डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। नाविका ने अपने डिबेट में कांग्रेस पार्टी से जुड़े मुद्दों पर ही बात की पर महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं की। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर पहुंचे, दावा है कि पंजाब भर से 10,000 गाड़ियां भर के वहां लखीमपुर की तरफ पहुंच गए। अब सुनकर ऐसा साउंड होता है कि कहीं हेमू और राणा की जंग तो नहीं चल रही, जिसमें 10,000 सैनिकों के साथ किसी तीसरे राजा की खैर या कुछ किया हो। सवाल यह भी है कि देश में राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, जिसमें सपोर्ट और विरोध के लिए हर किसी को कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है। मैं ये नहीं कह रही कि सिद्धू वहां क्यों गए, जाना चाहिए, हर किसी को हक है, पहुंचना चाहिए, और निर्दोषों के लिए और जिनके घर में क्षति हुई है उनके लिए न्याय मांगना चाहिए। लेकिन सिद्धू ने जाकर खुद क्या कहा, जरा उसे सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये लड़ाई कितनी उनकी खुद सियासी सर्वाइवल की है और कितनी उन बेचारे
किसानों के लिए। अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अमीश ने अपने डिबेट में देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर तो बात नहीं की। लखीमपुर से लखनऊ की दूरी करीब 130 किलोमीटर है और यहाँ पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम विपक्षी पार्टियां लखनऊ की सत्ता के लिए लखीमपुर का शॉर्टकट रास्ता आजमा रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों में लखीमपुर पहुंचने की होड़ मच गई है। लखीमपुर के नाम पर लखनऊ से दिल्ली तक सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, योगी सरकार पर सच छुपाने का गंभीर आरोप लगाया और उसके बाद वो लखीमपुर कूच कर गए। लेकिन घटनाक्रम सुनिए। हालांकि बीच में राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठ गए, क्योंकि वो यूपी प्रशासन की नहीं अपनी गाड़ी में लखीमपुर जाना चाहते थे, जिसकी मंजूरी उन्हें बाद में दे दी गई। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार लखीमपुर में अमन चैन के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।